नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं अवंतिका यादव। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में थोड़ी देर में जिला कोर्ट का फैसला आएगा और जिला जज रवि कुमार दिवाकर फैसला सुनाएंगे। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के चलते कोर्ट परिसर खाली करवा लिया गया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के फैसले के दो पहलू होंगे, जिला जज के कोर्ट नंबर 4 में ये सुनवाई होगी। दोनों पक्षों के लोग कक्ष में मौजूद हैं, मीडिया को अनुमति नहीं है। कोर्ट की ओर से लिखित आदेश जारी किया जाएगा और इसके बाद ही फैसला स्पष्ट हो पाएगा। राजस्थान से एक बार फिर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। हनुमानगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता पर लोहे की रॉड से हमला हुआ था। इसके बाद माहौल गर्मा गया और हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क जाम कर दिया। फिलहाल वीएचपी नेता को गंभीर हालत में बीकानेर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तनाव को देखते हुए हनुमानगढ़ में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। हनुमानगढ़ में नोहर के विश्व हिंदू परिषद नेता सतवीर सहारन से 7-8 मनचले लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। विहिप नेता ने उनसे ऐसा ना करने के लिए कहा और इसके बाद उन्होंने विहिप नेता पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में पहले 2 लोगों को हिरासत में लिया था और हनुमानगढ़ में विरोध प्रदर्शन जारी है। तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, स्थानीय नेता पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे, दिल्ली के रोहिणी इलाके में केएन करजू के 2 किलोमीटर लंबे रास्ते पर गैर कानूनी तरीके से जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाया जा रहा है। बुलडोजर की मदद से सड़क के किनारे लगी झुग्गियों को हटाने का काम किया जा रहा है। शुरुआत में एमसीडी के कर्मचारी इन झुग्गियों को हाथों से तोड़कर उसका सामान ट्रक में भर रहे थे। बाद में बुलडोजर आने के बाद बाकी अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और कई जगहों से अतिक्रमण को हटाया भी गया है और ऐसे में स्थानीय लोगों की ओर से इस अतिक्रमण को हटाने का विरोध भी लगातार यहां पर किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भरूच में उत्कर्ष समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की और भावुक भी हो गए। कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शुरुआत में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार ईमानदार और एक संकल्प लेकर लाभार्थी तक पहुंचने वाली सरकार है। पीएम ने कहा कि मैं भरूच जिला प्रशासन को, गुजरात सरकार को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 4 योजनाओं के शत प्रतिशत सैचुरेशन के लिए बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भावुक भी हुए और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लहराने और दीवार पर खालिस्तान के नारे लिखने के मामले में पुलिस को गुरुवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब पुलिस आरोपी को धर्मशाला लेकर पहुंची है। पुलिस इस पूरे मामले पर आरोपी से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पुलिस की गठित की गई एसआईटी की ओर से पंजाब के रोपड़ से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस मामले की पुष्टि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई थी। अब पुलिस को इस केस में कोई अहम खुलासे की उम्मीद है। साथ ही इस मामले में दूसरे आरोपी की तलाश भी लगातार जारी है। फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे तफ्तीश से पूछताछ होगी, जिसके बाद दूसरे आरोपी तक पहुंचने का प्रयास भी होने वाला है। तो विधानसभा के बाहर झंडे फहराने का यह मामला है और साथ ही दीवार पर खालिस्तान भी लिखा गया था। खालिस्तान के झंडे भी दीवार पर लगाए गए थे। धर्मशाला विधानसभा भवन के गेट पर झंडे लगाए गए थे और साथ ही दीवार पर खालिस्तान पंजाबी भाषा में पेंट से खालिस्तान लिखा गया था। अब इसी मामले में बड़ी जानकारी ये मिली है और साथ ही बड़ी कामयाबी ये मिली है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। तो वहीं पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ मान सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। पूरे राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स की टीमें तैनात कर दी गई हैं। हर जिले में अब एसटीएफ की 2-2 और बॉर्डर एरिया में 4-4 टीमें तैनात होंगी। एसटीएफ की टीमों को पूरा सहयोग मिले इसके लिए सीएम भगवंत मान ने सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को चंडीगढ़ तलब किया था। सीएम भगवंत मान ने कुछ दिन पहले स्पेशल टास्क फोर्स के अफसरों से मीटिंग भी की थी। एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिद्धू की अगुवाई में अफसर इसमें शामिल हुए। इसमें फील्ड से भी एसटीएफ टीमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। वहां पता चला कि फील्ड में एसटीएफ की टीमों को लोकल पुलिस और प्रशासन से पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसी वजह से मान ने उसी दिन एसएसपी और डीसी की मीटिंग बुलाने के लिए कह दिया था। तो नशे के खिलाफ प्लान लगातार जारी है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पंडित सुखराम की पार्थिव देह को सेरी मंच पर रखा गया है। यहां पर लोग स्वर्गीय पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। मंडी ही नहीं, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले बाड़ी गुमाणु स्थित निवास पर परिवार के सदस्यों और लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुखराम के पोते आयुष शर्मा, अर्पिता खान और दोनों बच्चों भी के साथ मंडी पहुंचे और इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा हिमाचल कैबिनेट के कई मंत्री भी पंडित सुखराम के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और पंडित सुखराम को याद किया। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देते हुए नजर आए। पंडित सुखराम
जवाब नहीं रहे हैं, जो कि हिमाचल के लिए एक बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से क्या कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है प्रदेश के लिए और परिवार के लिए भी। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, दोनों जगह पंडित सुखराम जी ने एक मुकाम को छुआ है और लंबे समय तक राजनीति में रहने के पश्चात बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए रहा है और मंडी के विकास के लिए भी रहा है। ईश्वर शक्ति दे इनके परिवार को इस दुख को सहन करने की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में रूस पर आम जनता के नागरिकों की हत्या के मामले में अमानवता की बात करने वाले यूक्रेन ने अब भी अपनी राह नहीं बदली है और दरअसल यूक्रेन ने रूस पर बम से हमला किया है और निशाने पर रहे आम रूसी जनता। दो देशों की जंग में लगातार यूक्रेन की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और माना यही जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर भारी है, लेकिन दो महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन को कई देशों से हथियार और आर्थिक सहायता मिल रही है और अब यूक्रेन बचाव की मुद्रा से बाहर आकर आक्रामक होता जा रहा है और अब रूस ने खुद एक रिपोर्ट में यूक्रेन के हमले और हमले से हुए नुकसान का ब्यौरा दिया है। दरअसल रूस की तरफ से जानकारी दी गई है कि यूक्रेन ने रूस पर बम फेंके हैं जो रूस के बेलगोरोड इलाके के गांव में गिरे हैं और यूक्रेन की सीमा से करीब 11 किलोमीटर दूर बसे इस गाँव में करीब 600 लोग रहते हैं। फिलहाल रूसी नागरिकों को यहां से सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है क्योंकि अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेनी हमले और तेज होने की आशंका है। तो वहीं यूक्रेनी हमले में एक शख्स की मौत और नाबालिग समेत 6 लोग घायल होने की खबर भी सामने आई है। अब देखना होगा कि युद्ध के इन हालातों में भारी जान माल का नुकसान देख रहे दोनों देश कब तक शांति स्थापना पर जोर देते हैं। फिलहाल अभी तक की शांति वार्ताएं विफल रही हैं। चीन की चिंताएं बढ़ रही हैं और चिंता का कारण है दक्षिण कोरिया। दरअसल चीन को डर है कि दक्षिण कोरिया कहीं अब अमेरिका के इशारों पर ना चलने लगे और अब चीन की इस चिंता की असल वजह क्या है इस रिपोर्ट में देखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का किसी भी समूह विशेष में जाना उस देश के पड़ोसी देशों की चिंताएं बढ़ा देता है क्योंकि दो ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं और कुछ समूहों पर इनकी खास पकड़ है। वो देश है अमेरिका और चीन जो एक दूसरे के हर कदम पर नजर रखते हैं। अब दक्षिण कोरिया ने क्वाड में शामिल होने की इच्छा क्या जताई, चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब माना जाता है कि अमेरिका ने चीन को मात देने की तैयारी पूरी कर ली है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यूजीलैंड, वियतनाम और दक्षिण कोरिया देश क्वाड में शामिल होने वाले हैं। यहां देखने वाली बात ये भी है कि उत्तर कोरिया पहले से ही चीन का मित्र राष्ट्र है और दक्षिण कोरिया का धुर विरोधी है। अब दक्षिण कोरिया को एक और तो अमेरिका का साथ मिल रहा है और दूसरी तरफ चीन के खिलाफ अब सहयोग बढ़ जाएगा क्योंकि उत्तर कोरिया को चीन हमेशा से दक्षिण कोरिया के खिलाफ साथ देता रहा है और उत्तर कोरिया का ताराशाह किम जोंग कई बार दक्षिण कोरिया पर मिसाइल दागने की चेतावनी दे चुका है। उधर चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तिब्बत एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट पर मंगलवार की सुबह तिब्बत एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। सरकारी मीडिया ने बताया कि कुछ पैसेंजर्स को इस घटना में चोट भी आई। मीडिया के हवाले से बताया गया कि सभी 113 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिन लोगों को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि रनवे पर खड़े विमान में अचानक आग लगी और तेजी से धुआं उठने लगा। राहत दल की तरफ से विमान पर पानी डाला जा रहा है और आग को बुझाने का प्रयास इस वीडियो में दिख रहा है। एयरलाइंस ने बताया कि जिस वक्त विमान दक्षिण पश्चिम शहर चोंगकिंग से तिब्बत के लिए न्यांगची जा रहा था, उसी समय क्रू को शक हुआ कि उन्होंने विमान को टेक ऑफ करने से रोक दिया और इसके बाद रनवे पर विमान में आग की लपटें दिखने लगी। तिब्बत एयरलाइंस ने बयान जारी कर बताया, सभी पैसेंजर्स और क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घायल पैसेंजर्स को मामूली तौर पर चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। पंद्रह मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर आएंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तैयारियों में ऐसी कोई कमी ना रहे इसे लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर लगातार बैठकें कर रहे हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के हर एक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को न्योता दिया। दरअसल ये न्योता सीएम के कार्यक्रम को लेकर दिया गया
जो कि जगाधरी में 15 मई को आयोजित होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का जिम्मा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने कंधों पर ले लिया है। लिहाजा शिक्षा मंत्री ने जगाधरी के गाँव को सीएम के कार्यक्रम में पहुँचने का न्योता दिया। कंवरपाल गुर्जर को उम्मीद है कि सीएम के कार्यक्रम में 20,000 से भी ज्यादा लोग जुटेंगे। वहीं जगाधरी पहुंचे कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र पर बात करते हुए कहा कि छोटे बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल शुरू किए गए हैं वो काफी लोकप्रिय रहे हैं, लिहाजा प्रदेश सरकार हरियाणा में 4,000 और प्ले स्कूल खोलने जा रही है। वहीं कंवरपाल गुर्जर को ये भी उम्मीद है कि इस साल स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। जो अभी जो छोटे बच्चों का 3 साल के बच्चे जो है उनके लिए प्ले स्कूल शुरू किया वो भी काफी लोकप्रिय रहा है, 1100 स्कूल हमने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने गठबंधन सरकार पर करारा वार किया है। उन्होंने बेरोजगार के मुद्दे पर सीधे शराब से जोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा इंचार्ज और राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए हैं। हरियाणा में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर सुशील गुप्ता ने एक बार फिर से सवालों की बौछार कर दी है। उनका कहना था कि बेरोजगारी 34% हरियाणा में है और साथ ही ये भी कहा गया कि हरियाणा में बेरोजगारी को छुपाने के लिए नशे का कारोबार शुरू कर दिया गया है। ये गंभीर आरोप सुशील गुप्ता की ओर से लगाए गए। साथ ही शराब के रेट घटाने पर भी सुशील गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सीधे सीधे हरियाणा की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार को जमकर कोसा। और साथ ही सुशील गुप्ता ने ये भी कहा कि सरकार ने पहले तो प्रदेश की महिलाओं का शाम के समय निकलना बंद कर रखा था, शराब के दाम घटाकर अब सुबह में भी बाहर निकलना बंद करवा दिया गया है। साथ ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने ये भी कहा कि सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इससे पहले भी सुशील गुप्ता कई मुद्दों पर सरकार पर हमलावर दिखे और साथ ही आम आदमी पार्टी की सक्रियता पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में काफी बढ़ गई है और एक बार फिर से सुशील गुप्ता ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए हरियाणा सरकार को चैलेंज किया है। करनाल में नूडल्स बनाने वाली फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की और सैंपल जांच के लिए भी भेजे। करनाल के बड़ा गांव में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नूडल्स बनाने की एक फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इरीग्रेशन विभाग के सदस्य टीम में शामिल रही। छापामारी के दौरान कई प्रकार की कमियां पाई गई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि यहां ईटीवी प्लांट नहीं लगाया हुआ है। सैंपल लिए गए, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर नोटिस दिया जाएगा, जवाब के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमें सूचना मिली थी इनकी इंस्पेक्शन करने के लिए दौरान जब हम आए काफी कमियां हमें मिली हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स जो आए हुए हैं वो अपना बता देंगे। फूड के रिगार्डिंग हमने 7 सैंपल लिए हैं इनके और जो नूडल्स बना रहे हैं वो तो नूडल्स के हम सैंपल लिए और कुकिंग ऑयल के हमने सैंपल लिए। तो क्या परमिशन थी इनके पास नूडल्स बनाने की? नूडल बनाने की FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस इनके पास है, उसकी परमिशन है। बाकी अदर फैक्ट्री के मालिक पंकज अग्रवाल ने बताया कि 4 दिन पहले ही प्लांट शुरू किया समेत सभी विभागों से अनुमति ली गई है। आपको बता दें कि टीम ने फूड से जुड़े 7 सैंपल लिए जिसमें नूडल्स का सैंपल भी शामिल है। क्वालिटी की जाँच के लिए इसे चंडीगढ़ भेजा जाएगा। हरियाणा के जींद में छात्राएं सड़कों पर उतरी और छात्राओं के आरोप है कि शिक्षण संस्थानों में आने के लिए बसें नहीं उपलब्ध हैं और ऐसे में प्रदर्शनकारी छात्राओं के ने DC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बस सेवा की मांग पर छात्राओं पर लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज को लेकर छात्राओं ने अब रोष जताया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं पर मुकदमे दर्ज जो है वो वापस लिए जाए, नहीं तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। तो DC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया छात्राओं की ओर से और साथ ही जो मामले छात्रों पर दर्ज किए गए हैं उन मामलों को वापस लेने की भी बात कही गई है, मांग उठाई गई है। और साथ ही छात्रों की ओर से दो टूक कहा गया कि अगर ये मामले वापस नहीं लिए जाते हैं तो आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। बसें नहीं मिलती हैं छात्राओं को शिक्षण संस्थान पहुंचने के लिए और इसी वजह से छात्राओं का ये रोष देखने को मिला है। DC दफ्तर के बाहर छात्राओं ने प्रदर्शन किया और छात्रों की ओर से अपनी आवाज उठाई गई, अपनी मांगों को उठाया गया। एक महीने के लिए छुट्टी पर घर आए जवान का अभी भी तलाश को 2 महीने हो गए हैं लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। परिवार की गुहार को अनसुना कर दिया गया है और क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखें। तो लगातार जो जवान एक महीने की छुट्टी पर आया था उस जवान का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और ऐसे में ये जवान दरअसल 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था लेकिन 2 महीने का समय हो गया है, जवान का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और इसी को लेकर जवान के परिजन पूरी तरह से परेशान हैं। लगातार गुहार लगा रहे हैं कि आखिर उनका बेटा कहाँ है। सरकार ये पता लगाए, जवान के जो परिवार वाले हैं वो लगातार ये गुहार भी लगाए जा रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जवान कहाँ गया जो 1 महीने की छुट्टी लेकर घर तो आया था लेकिन घर नहीं पहुंचा। और इसी को लेकर जो जवान के घर वाले हैं, जवान के परिजन हैं, वो लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि उनके बेटे को सरकार ढूंढ कर लाए, आखिर कहां पर है उनका बेटा। इसको लेकर सरकार
पता लगाए और साथ ही साथ उनकी ओर से उनके जवान को ढूंढने की, उनके बेटे को ढूंढने की लगातार गुहार लगाई जा रही है। लेकिन फौजी गायब हो गया है, ये बड़ी बात भी है, बड़ा सवाल भी है कि आखिर ये फौजी गया कहाँ। जो एक महीने की छुट्टी लेकर घर के लिए तो निकला था लेकिन घर नहीं पहुंचा, और दो महीने इस बात को हो गए हैं, दो महीने से लगातार फौजी की तलाश जारी है, दो महीने बाद भी फौजी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। चरखी दादरी का ये पूरा मामला है। चरखी दादरी में एक फौजी अपने घर के लिए छुट्टी लेकर आया था लेकिन घर नहीं पहुंच पाया है। इसी वजह से फौजी के परिजन इस समय परेशान है, फौजी के घर वाले परेशान है और लगातार ये गुहार लगाई जा रही है। परिवार थानों के चक्कर काट रहा है और साथ ही ये गुहार लगा रहा है कि आखिर उनका बेटा कहाँ है, उनका फौजी कहाँ है, इसका पता सरकार लगाए, पुलिस लगाए, पुलिस के चक्कर भी काट रहे हैं, थानों के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुराग नहीं लग रहा है कि आखिर ये फौजी जो घर के लिए तो निकला था लेकिन घर नहीं पहुंचा तो ये गया तो कहां गया। देश की सीमा की रक्षा करने वाले गायब फौजी को पुलिस लगातार ढूंढ रही है लेकिन इस फौजी का कोई भी अटा पता नहीं। फौजी की पत्नी और बच्चे पुलिस थानों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, बावजूद इसके न्याय नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि चरखी दादरी के रहने वाले बीएसएफ जवान सह भगवान 13 मार्च को एक महीने की छुट्टी पर घर आए थे। घर आने के बाद फौजी 22 मार्च को अंबाला कैंट में ऑफिस के काम के लिए निकला था और उसके अगले दिन परिजनों को फोन पर बताया कि वो शाम तक लौट आएगा, लेकिन उसके बाद आज तक फौजी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। जब फौजी शाम को घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसको फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि परिजनों की तरफ से कई स्थानों पर तलाश भी की गई लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। पापा सर भगवान बीएसएफ में ड्यूटी करते हैं, उन्हें गुजरात में पोस्टिंग है। वो 13 मार्च को छुट्टी आई थी और उसके बाद उसे 15 मार्च को अम्बाड़ा गए थे किसी काम से, 17 मार्च को वापस आ गए थे, उसके बाद वो 22 मार्च को गए थे और अभी तक कोई पानीपत के जवाहरनगर में बहू को घर से बाहर निकाल दिया गया, लड़की को ससुराल छोड़ने आए परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष पर आरोप लगाए हैं, तस्वीरों भी इस दौरान के सामने आए हैं। खबर पानीपत से है जहां पर जो लड़की अपने घर तो पहुंची, ससुराल पहुंची लेकिन यहां पर ससुराल वालों की बदसलूकी का सामना उसे करना पड़ा। लड़की के परिजन जो बेटी को छोड़ने के लिए ससुराल छोड़ने के लिए पहुंचे थे उनके साथ भी मारपीट की गई और ये जवाहर नगर का ये मामला है जो यहाँ पर सामने आया है। कैथल में दो विभागों के कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी और दमकल विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड भंग करने की मांग कर्मचारियों की ओर से की गई है, साथ ही साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग की गई है। तो दो विभागों के कर्मचारियों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है, नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया है और साथ ही साथ दमकल विभाग के कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने वाले एक शख्स को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने जो खुलासे किए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर नेताओं और बिल्डरों को साथ ही साथ आम लोगों को ठगने वाला एक शख्स गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। शख्स लोगों को फर्जी सम्मन और नोटिस भेजकर पैसों की मांग करता था और बड़े चालाकी से उनसे पैसे ऐंठ लेता था। गिरफ्तार शख्स की पहचान यशपाल अरोड़ा के तौर पर हुई है। उसके साथ ही उसके बेटे राहुल अरोड़ा और जितेंद्र मुंजाल को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने ठग को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें ठग बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा को ईडी का फर्जी सम्मन भेजकर करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहा था। उसने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर एके सिंह के नाम पर 4 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, साथ ही उनके नाम से फर्जी सम्मन भी बीजेपी नेता को भेजा था। पुलिस के अनुसार ठग यशपाल अरोड़ा पहले ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा से 10 लाख की रकम ले चुका है। ठगी के लिए उसने एक गिरोह भी बना रखा था जो गुरुग्राम शहर में निर्माणाधीन बिल्डिंगों की भी शिकायत कर पैसे वसूलता था। बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इन दिनों बेहद जरूरी दवाइयों का अकाल पड़ चुका है, मरीज बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं और क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इन दिनों दवाइयों का टोटा चल रहा है, मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारे इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, ऐसे में यहां पर कार्यरत डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाइयां और इंजेक्शन लाने की सलाह दे रहे हैं।
भादुगढ़ में बनाया गया ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी सर्विस देने के लिए बनाया गया था। अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ती है या कोई दुर्घटना में घायल होता है, ऐसी अवस्था में प्रारंभिक तौर पर इलाज यही होता है, लेकिन दर्द से निजात दिलाने वाली यानी पेन किलर इंजेक्शन तक यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। मरीजों की माने तो डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन और दवाइयाँ बाहर से लाने के लिए कहते हैं। दवाई दीवाना आई थी, पेशेंट का दर्द हो रहा है, पैरा हमारी भी ना दवाई को ना, और बुजुर्गत भी है। क्या कह रहे हैं? दवाई को ना बाहर से ले आओ। बाहर से लेके आ रहे हैं? हाँ, ये सुबह बाहर से ले आओ, इंजेक्शन बाहर से लेके आओ। हाँ, भाई है वो बीमार हो गया, उसको दिखाने आए थे, उसको उल्टियाँ वगैरह आ रही थी तो दवाई लिखी है डॉक्टर साहब। यहाँ कोई इंजेक्शन वगैरह मिला? नहीं, इंजेक्शन कह रहे हैं बाहर से लाने, पहला तीसरा कह रहे हैं, दूसरा और चौथा कह रहे हैं यहाँ मिल जाएगा, जो है पहला तीसरा बाहर से लाना है। वहीं मरीजों को मेडिकल स्टोर पर महंगे दामों पर उन्हें दवाइयां बेची जा रही हैं, जबकि सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ये इंजेक्शन और दवाइयां बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं। काफी सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन और दवाइयां भादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसे मरीज और तीमारदार बेहद परेशान है। वहीं जब इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने खत्म हो चुकी दवाइयों और इंजेक्शन की डिमांड सीएमओ ऑफिस भेज रखी है। हरियाणा के करनाल में बने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में एक डॉक्टर मनजीत का शव संदिग्ध परिस्थिति में नग्न अवस्था में मिला है। डॉक्टर के क्वार्टर से पड़ोसियों को बदबू आने के बाद मौत के मामले का खुलासा हुआ है। करनाल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। नग्न अवस्था में मनजीत नाम के एक डॉक्टर का शव मिला। डॉक्टर का शरीर काफी फूल चुका है। मृतक डॉक्टर सोनीपत का रहने वाला था। करनाल के शामगढ़ में ड्यूटी होने के कारण शहर के क्वार्टर में ये डॉक्टर अकेला रहता था। एसएफएल की टीम ने मौके पर मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद किसी ने डॉक्टर मनजीत को नहीं देखा और वो ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे। दूसरी ओर एक कर्मचारी ने बताया कि सोमवार को सुबह 9 बजे ऑफिस जाते वक्त बहुत अच्छे से बातचीत हुई। ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का है या फिर ये मौत किसी हादसे के कारण हुई, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को तलाशने हैं। 5:15 बजे जानकारी मिली थी कि डॉक्टर मनजीत सिंह इनका क्वार्टर है B10, इसे काफ़ी बदबू आ रही है, तो हम मौके पर पहुँचे थे। अभी एफएसएल टीम आई है, उनकी सिस्टर आई है, वारिस है, इनकी पत्नी वगैरह वो अभी आ रहे हैं। तो कितने समय से यहाँ पर पोस्टेड किए? अभी 4-5 साल से पोस्टेड, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो परसों से पता ही चल रहा है इनका ये क्वार्टर में।